तो आज का हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू हो रहा है प्रिज्म, जो आपने पिछले कुछ क्लासेज में पढ़ा। उन पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि प्रिज्म से मोनोक्रोमेटिक लाइट का रिफ्रेक्शन अगर करवाना हो तो आपको ध्यान होगा दो तीन स्टेप में बात चलती है। पहले रिफ्रेक्शन, देन ज्योमेट्री का यूज करके अगला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड देन अगेन स्नेल्स लॉ लगा के और फिर दोबारा से आप ई निकाल लेते हो। क्या ऐसे सवाल किया आपने उसमें लेक्चर में देखे वो सब? ठीक है, उसमें एक ग्राफ भी हमने बनाया होगा एंगल ऑफ डेविएशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, एक इस तरह का ग्राफ था, बनाया था वो। ठीक है, तो मैं शुरुआत एक सवाल से करता हूं। शुरुआत में एक क्वेश्चन से ले रहा हूं, देखिए। मान लो आपको एक ग्राफ दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ एंगल ऑफ डिवीजन का ग्राफ आपको दिया गया है कुछ, और इस ग्राफ में मैं कुछ वैल्यूज ले लूंगा, किसी भी शेप का हो सकता है, पैराबोलिक नहीं होता है, किसी भी शेप का ये हो सकता है, पैराबोलिक होना कोई जरूरी नहीं है, और इसमें ये दिखा रखा है कि कोई पर्टिकुलर एंगल है 30 डिग्री डेविएशन, कोई पर्टिकुलर एंगल है 30 डिग्री डेविएशन, वो दो जगह मिलता है, दो एंगल ऑफ डेविएशन पे मिल रहा है, वो एक एंगल ऑफ डेविएशन है 30 डिग्री और जो दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज 60 डिग्री, एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। बस ये आपको डायग्राम दिया है, आपसे पूछा है फाइंड द एपेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म। मैं पिछले लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहा हूं आगे, जो बिल्कुल लास्ट लेक्चर इस पे डाला गया होगा इस लिस्ट में, वो होगा आपका कुछ डिस्पर्जन से रिलेटेड था कि लाइट फैल जाती है ना। तो आज एक फिनिशिंग क्लास ले रहे हैं प्रिज्म पे, जिसमें मोनोक्रोमेटिक का भी यूज कर रहे होंगे एंड देन पॉलीक्रोमेटिक का भी यूज कर रहे होंगे, और इससे अगली क्लास से फिर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मींस ह्यूमन आई, और वहां से चलेगा फिर वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अपने फिनिशिंग स्टेज पे होगा। इस तरह से होगा, एपेक्स एंगल आप समझते हो ऊपर वाला एंगल, ऊपर वाला जो एंगल होगा वो। तो आप एक बार मुझे ये बताओ डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता था इन टर्म्स ऑफ ए एंड आई एंड ई, आई प्लस ई माइनस ए। हाँ ठीक है, डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, इट मीन्स आपने पढ़ा है वो पूरा। अब इसने आई दे रखा है एक बार 30 डिग्री और आई एक बार दे दिया 60 डिग्री, ई तो बता ही नहीं रखा, डेविएशन बता दिया। देखो आई 30 पे डेविएशन बता दिया, तो आई 30 है तो डेविएशन पता है, फिर आई 60 पे डेविएशन बता दिया, तो आप बताओ कैसे सोल्व करें, ए कैलकुलेट कैसे करें? क्या आपको ये दिख रहा है इस डायग्राम से कि एट आई इक्वल टू 30 डिग्री डेविएशन इज 30 डिग्री, ग्राफ से नजर आ रहा है ना ये? ठीक है, इसमें हमने पुट किया, तो डेविएशन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू आई, आई भी 30 डिग्री प्लस ई माइनस ए, 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो मुझे यहां से एक इक्वेशन मिली ई इज इक्वल टू ए। और क्या करूं मैं, और कैसे आगे बढ़ूं? एट आई इक्वल टू 60 डिग्री डेविएशन कितना है? 30 डिग्री। आपने फिर दोबारा यूज किया डेविएशन 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस ई माइनस ए। अब देखो मुझे ए निकालना है, तो मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, यहां से अगर मैं इनको इधर उठा लाऊं तो ए माइनस ई इज कमिंग आउट टू बी 30 डिग्री, ई माइनस ए या ए माइनस ई यहां से निकल के आ रहा है 30 डिग्री, लेकिन ए और ई अभी क्या आया था आपका? ए और ई तो सेम आया था, तो अगर ए और ई सेम होंगे तो आई प्लस ई माइनस ए, अगर ए और ई सेम होंगे तो क्या ये हो सकता है क्या बताओ? तो फिर यहां से कैसे सिंप्लीफाई करें? ए माइनस ई बराबर 30 और ए बराबर ई रखा तो 0 बराबर 30, इट मीन्स ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये मैंने क्यों लिया है ये सवाल, बहुत से बुक्स में ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो इसका जवाब क्या होगा बताओ?
अगर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या हमारे सॉल्यूशन में कोई गलती है क्या? हाँ जी, क्या हमारे सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक है? हमने क्या किया, हमने इस ग्राफ का पालन किया है, केवल इस ग्राफ की वैल्यूज को उठाया है कि जब आई 30 डिग्री था तो डेविएशन 30 डिग्री था, ये ग्राफ कह रहा है। फिर आई 60 था तो डेविएशन फिर से 30 है, ये ग्राफ कह रहा है। लेकिन एक बार मैं इसको यूज करूं तो ई बराबर ए आर है, और एक बार इसको यूज करूं तो ई माइनस ए और ए माइनस ई 30 आर है। तो इसका क्या मतलब है, अगर इस सवाल में चार ऑप्शंस आपको दिए जाए, ए की वैल्यू, पहला ऑप्शन 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 15 डिग्री, चौथा ऑप्शन ग्राफ इज गलत, ग्राफ इज रॉन्ग, क्या सही होगा बताओ, क्या आंसर आएगा अब इसका? बोलो, मैंने चार ऑप्शंस आपके आगे रख के दिए हैं यहां पे, क्या क्या आंसर आएगा? फोर्थ। अब देखो, आपको इसका सॉल्यूशन ऐसा भी मिलेगा, सुने, ये तो आएगा आपको समझ में, मैं एक और सॉल्यूशन देता हूं। आप प्रिज्म से यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जब आप चलेंगे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि अगर आप इमरजेंट रे को इंसिडेंट रे बना दें तो जो इंसिडेंट रे है वो क्या बन जाएगी आपकी, इमरजेंट रे। लाइन आ रही है ना समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इंसिडेंट रे से कोई इमरजेंट रे बाहर निकली, मैंने वहां एक प्लेन मिरर लगा दिया और उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, अगर उसको इंसिडेंट रे बना दिया तो इंसिडेंट रे आपकी क्या बन गई, इमरजेंट रे बन गई ना, ठीक है। यानी कि पहले कुछ आई था, उस पर कुछ ई मिला और उस पर आपको डेविएशन मिला। अगर आप इस ई को आई बना दें तो जो आई था वो ई बनेगा, तो डेविएशन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि डेविएशन का फॉर्मूला है आई प्लस ई माइनस ए, डेविएशन का फॉर्मूला है आई प्लस ई माइनस ए। अगर आई और ई इंटरचेंज हो रहे हैं तो क्या आई प्लस ई की वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं हुई है? मैं कहता हूं पहले आई था 60 डिग्री, ई था 30 डिग्री, अगली बार आई हो गया 30 डिग्री, ई हो गया 60 डिग्री, तो बताओ क्या डेविएशन की वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं हुई है? दोबारा बोलता हूं सुनो, मान लो ये कोई प्रिज्म है, ध्यान से सुनो इस चीज को, ये कोई प्रिज्म है, यहां से लाइट आ रही है, ये रे यूं जाके और यूं गई। मैं कहता हूं कि ये एंगल है 60 डिग्री और मैंने कहा कि यहां नॉर्मल के साथ एंगल है 30 डिग्री, तो आई आपका 60 डिग्री है और ई आपका है 30 डिग्री, ये कुछ भी ए एंगल है, डेविएशन कितना होगा, आई प्लस ई माइनस ए, तो 60 प्लस 30 90 माइनस ए। अब मैं अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज कर दूं, उसको इंसिडेंट रे बना दूं तो ये इमरजेंट रे आएगी, यानी कि अगर आई को 30 कर दें तो ई कितना हो जाएगा, 60। अगर मैं आई को 30 डिग्री कर दूं तो जो ई है वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अब बताओ डेविएशन कितना आएगा, आई प्लस ई पहले भी 60 प्लस 30 90 था, अब भी 30 प्लस 60 90 है, तो डेविएशन कितना आया, 90 माइनस ए। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें क्या बताता है कि जिन जिन जगहों पे डेविएशन सेम होगा वो ऐसे एंगल्स होंगे जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो कर रहे होंगे। तो आप ये बताओ, क्या इन दो एंगल्स पे डेविएशन सेम दिखा रखा है ग्राफ में? यस सर। ठीक है ना, बिल्कुल दिखा रखा है इन दो एंगल्स पे, यानी कि जब इसका जो आई था उस पे जो भी ई हुआ होगा, इस ई को वहां आई बना दिया गया है, यानी कि बताओ यहां ई कितना होगा, अगर इसका आई था और उधर ये आई है और दोनों पे डेविएशन सेम है, मतलब ये वाला केस है इंटरचेंज होने वाला, मतलब जो इधर आई था उधर ई था, वो उधर से आई बना दिया और इधर ई बन गया, तो दूसरा आई 60 है, इसका मतलब इसका ई 60 है, तभी तो इंटरचेंज हुआ होगा, अगली बार आई 60 किया तो ई कितना होगा, 30 डिग्री। बताओ क्या ये समझ में आया कि यहां तक क्या बताया मैंने, ये वाला पॉइंट? यस सर। देखो डेविएशन वाले ग्राफ में जो भी सेम पॉइंट होगा ना, वहां पे आई और ई इंटरचेंज होंगे, तो दो आई दिखा रखे तो वो यहाँ का ई होगा,
तो अब आप देखो आई प्लस ई कितना हो गया, चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, आई प्लस ई कितना हो गया इसमें 90 डिग्री। तो आई प्लस ई 90, अब आपने फॉर्मूला यूज किया डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। इन जगहों पे डेविएशन दोनों जगहों पे कितना दिखा रखा है ग्राफ में 30 डिग्री, आई प्लस ई ग्राफ से हमने अंदाजा लगाया 90 डिग्री माइनस ए। तो यहां से तो मैं अगर देखूं तो ए कितना निकल के आ गया मेरा, यहां से ए कितना निकल के आ गया 60 डिग्री। तो भाई एक ऑप्शन तो 60 डिग्री भी है और एक ऑप्शन है कि ग्राफ इज रॉन्ग। आप अगर इस तरह से जाएंगे तो 60 आ रहा है, उससे नहीं आ रहा, तो बताओ क्या क्या ऑप्शन दें, फिर क्या आंसर दें इसका। 60 डिग्री मान लो ए है 60 डिग्री, आप कह रहे हो कि भाई ए 60 डिग्री, मैंने एक बार इसमें पुट किया 60 डिग्री, इसको अगर मैं देखता हूं आई, आई कितना है 30 डिग्री ना, डिवीजन डिवीजन आपका 30 डिग्री, आई है 30 डिग्री प्लस ई, ई आपका 60 डिग्री माइनस ए, ए 60, 60 से 60 कट गया और 30 बराबर 30, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उधर से देखो डेविएशन 30 रखा मैंने, ठीक है आई 60 है ये यहां रख दिया, प्लस ई, ई इस बार 30 डिग्री है और माइनस ए 60, 60 से 60 कट गया, ये भी 30 30 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं ए 60 मानता हूं तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, फिर पिछली बार क्या गड़बड़ थी भाई। ये तो ठीक है आपने कॉन्सेप्ट लगाया और आपने ए निकाल दिया 60 डिग्री, मैंने चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, पिछली बार फिर क्या गड़बड़ थी। जब मैं अगर दो इक्वेशन बना के बढ़ता हूं तब क्या गड़बड़ है, पहले तो ये बताओ ये दूसरा मेथड आपको समझ आ गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी वाला। रिपीट कर दो एक बार। देखो मैं क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा हूं, सवाल ये है ढंग से सीखो, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन ये है हम इस क्वेश्चन से अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये कोई प्रिज्म है, ये कोई प्रिज्म है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है यूं जाती है जैसे भी और वो रिफ्रैक्ट होके बाहर निकलती है, ये एंगल आई, ये एंगल ई, ये एपेक्स एंगल ए और ये मेरा है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। सवाल क्या है हमारा, इस सवाल के साथ आपको एक ग्राफ दिया, इस सवाल के साथ आपको एक ग्राफ दिया, ऐसा कुछ भी ग्राफ कि जब डेविएशन 30 डिग्री था तो उस पर दो एंगल मिले, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 30 डिग्री था और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, ये है। अब मेरा ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए की वैल्यू कितनी होगी, मैंने चार ऑप्शन दिए 60 डिग्री 30 डिग्री 15 डिग्री एंड चौथा ऑप्शन था ग्राफ इज रॉन्ग। चार ऑप्शंस इसमें दिए। अब देखो एक मेथड इसको सोल्व कर देगा, इस ग्राफ में जिन दो पर्टिकुलर एंगल्स पे डेविएशन सेम होता है, जिन दो पर्टिकुलर एंगल्स पे डेविएशन सेम होता है वहां आई और ई इंटरचेंज होते हैं। कारण सुनो, डेविएशन का फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए, ए तो एक फिक्स एंगल है ज्योमेट्रिकल एंगल, यानी कि आई प्लस ई दैट इज इक्वल टू डेविएशन प्लस ए, जो आई प्लस ई होगा वो आपका होगा डेविएशन प्लस ए। इन दोनों पे क्या डेविएशन सेम है कि नहीं, आई 30 पे भी और आई 60 पे भी डेविएशन सेम है या नहीं है। Yes, और ए और ए भी दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब जो आई प्लस ई है उसकी वैल्यू जो आई बराबर 30 डिग्री के लिए आ रही है वही आई प्लस ई की वैल्यू होगी आई बराबर 60 डिग्री के लिए अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। ये बात आ गई होगी समझ में, है ना। ठीक है, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब आई और ई इंटरचेंज होते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका यह मतलब है, ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि व्हेन आई इज 30 डिग्री देन ई इज
60 डिग्री एंड व्हेन आई इज 60 डिग्री देन ई इज 30 डिग्री। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जब आई 30 है तो ई 60 और आई 60 था तो ई 30 था, ये था। जब भी कभी ये बने ग्राफ में तो इसका मतलब ये आई और ई इंटरचेंज हो रहे हैं। तो मुझे जब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आई और ई पता लग गए तो ये आई गया। आप देखो डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। डेविएशन इन दोनों पे कितना है 30 डिग्री। एक एक पर्टिकुलर सेट आप उठा लो, आई प्लस ई चाहे यहां से उठाओ, आई प्लस ई चाहे यहां से उठाओ, इसके अकॉर्डिंग आई प्लस ई की वैल्यू कितनी है इस डेविएशन पे, आई प्लस ई कितना है इस डेविएशन पे 90 डिग्री माइनस ए। तो आपका ए निकल के आया कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमारा ये आंसर आ गया 60 डिग्री। बताओ ये मेथड आ गया समझ में, ये वाला मेथड? यस सर। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका। मान लो मैं इतना दिमाग नहीं लगा रहा कि भाई ये आई और ई इंटरचेंज होंगे, मैं तो बस ये सोचता हूं इस जगह आई 30 डिग्री है, तो जब आई 30 है तो डेविएशन आपका 60 डिग्री। ठीक है, फिर मैं इस जगह देखता हूं आई 60 डिग्री है तो डेविएशन फिर से कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन है आई प्लस ई माइनस ए, मैंने ये दोनों वैल्यू यहां पुट की, तो डेविएशन फर्स्ट वाले में भी तो 30 ही है। मैंने क्या लिख दिया, सॉरी थैंक यू ये सही करवाने के लिए। सुनो मैंने पहली बार ही वैल्यू पुट की तो 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस ई माइनस ए, यानी कि ई माइनस ए कितना आ गया जीरो, इट मींस ई बराबर ए। फिर मैंने दूसरी बार यहां ये यहां पे वैल्यू पुट की इस साइड, डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, डेविएशन कितना 30 डिग्री, आई कितना 60 डिग्री प्लस ई माइनस ए। यहां से अगर आप देखते हो तो ए माइनस ई आ रहे हैं 30 डिग्री और यहां से ए माइनस ई आ रहे हैं जीरो। तो ये तो कैसे सॉल्व करें हम इसको इस मेथड से, बताओ। मैंने एक बार जो पूरा का पूरा काम रिपीट कर दिया आपके लिए, आप बताओ क्या समझ में आया, अब मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे। तो अगर बच्चा इस तरीके से करता है तो कंफ्यूज हो जाएगा, ए बराबर ई इसमें रखेगा तो जीरो बराबर 30 आ गए, तो हो ही नहीं सकता। और इस कंफ्यूजन को उजागर करने के लिए ये चार ऑप्शन दिए। बुक्स में जब ये क्वेश्चन मिलता है तो चलो मैं आता हूं थोड़ी देर में अभी। अब बताओ पहले अब क्या आंसर आएगा, अगर अगर मैं इस तरह जाऊं तो क्या आंसर आएगा बताओ। अगर अगर ग्राफ इज रॉन्ग, अब एक सवाल के दो आंसर तो हो नहीं सकते आपके करने के तरीके पे। राइट आंसर इज 60 डिग्री, राइट आंसर इज 60 डिग्री। और ये अक्सर बुक्स में मिलता भी नहीं है ग्राफ इज रॉन्ग, क्योंकि ऐसा सोचते भी नहीं है कि बच्चा ऐसे करेगा, लेकिन बच्चे के दिमाग में पहली बार में तो यही चीज आती है। वो तो पढ़ा दी जाए कि आई और ई इंटरचेंज होंगे तब की बात है, और अगर ये चीज दिमाग में आई तो फिर ये क्यों नहीं सोल्व हो रहा है, इसका कारण बताओ। इसका कारण ये है, बताओ मैं अब ध्यान से सुनो, इसका कारण ये है जब आई 30 डिग्री था, जब आई 30 डिग्री था तो अभी जो हमने पीछे पढ़ा ये इंटरचेंज होते हैं, तो ई कितना इस जगह पे 60 डिग्री। सेम डेविएशन वाले दो पर्टिकुलर आई पे आई और ई इंटरचेंज होते हैं, तो अगर आई 30 था तो यहां ई कितना था 60 डिग्री, और जब आई 60 था तो यहां ई कितना था 30। तो क्या इन दोनों में E की वैल्यू सेम है, क्या इस सिचुएशन नहीं है ना, तो इसका मतलब जब आप ये वाली इक्वेशन लगाओगे तो ये E1 लिखा जाएगा और जब आप वो वाली इक्वेशन लगाओगे तो ये E2 लिखा जाएगा। तो आप इनको सिंप्लीफाई ही नहीं कर पा रहे, यहां दो वेरिएबल वहां नए दो वेरिएबल, तो टोटल तीन वेरिएबल हो गए और दो इक्वेशन। तो इसको करने का जो तरीका है वो है जो आपको मैंने रिपीट करके मेथड नंबर फर्स्ट बताया, और पहली बार में जब बताया था तो मेथड नंबर सेकंड बताया था। अभी बताओ मोनोक्रोमेटिक लाइट का ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आ गया समझ में? Yes, ठीक है,
फाइनली ये कॉन्सेप्ट क्या है, फाइनली ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आई का डेविएशन का ग्राफ दे रखा हो आई के साथ और आपको किसी एक पर्टिकुलर डेविएशन पे दो एंगल दे रखे हैं, आई की दो वैल्यू दे रखी हैं, एक आई वन और एक आई टू, तो आपको उसको ऐसे देखना है कि व्हेन आई इज इक्वल टू आई वन सेम डेविएशन वाले पॉइंट पे ई इज इक्वल टू आई टू एंड डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा नॉट। अब आगे बात समझ में ना ये वाला कॉन्सेप्ट। हाँ जी भाई ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का ये वाला काम। अच्छा दूसरी बात, क्या आपको प्रिज्म फॉर्मूला वगैरह समझ आ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर से? ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार, वो यूज हो गया वो दिन वीडियो लेक्चर से भी। पिछले लेक्चर आपके 1.5 घंटे के नहीं होंगे, वो छोटे मिलेंगे है ना, 7 मिनट का तो लास्ट था, कोई आधे घंटे का था, कोई इस तरह से थे वो, तो ठीक है ठीक है, ऐसे कर लिया करो। बिकॉज अगले कुछ दिन में कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो ह्यूमन आई और इंस्ट्रूमेंट पे बड़े लाभदायक होंगे हमारे लिए, लेकिन मैं रोज क्लास तो ले रहा हूँ आपकी इस तरह से भी। अच्छा इसके बाद सुनो, हमने पिछले लेक्चर में देखा होगा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब है कि लाइट का फैलना, डिस्पर्जन सिंपली मीन्स कि भी लाइट फैल गई है और कुछ नहीं। तो अब अगर मैं प्रिज्म में एक टर्म डिफाइन करना चाहूं, एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्जिव पावर ऑफ प्रिज्म, तो इनका क्या मतलब होगा, तो मैं उन चीजों की तरफ आता हूं अभी। एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्जिव पावर ऑफ प्रिज्म। डिस्पर्जन का मतलब सिंपली क्या होता है, लाइट का अपने कलर्स में सेपरेट हो जाना, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। देखो सपोज एक थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म का मतलब है ए स्मॉल है, 10 डिग्री के आसपास तक है, तो क्या आपको ये याद है कि डिस्पर्जन थिन प्रिज्म के लिए ये होता है एन माइनस वन इंटू ए। ठीक है, वही वही जो प्रिज्म फॉर्मूला है वही से आ जाता है, और थिन प्रिज्म डिस्पर्जन ये होता है। अब इसमें जो आपकी लाइट आएगी यहां से, ये जो मैंने कहा व्हाइट लाइट आई, ये असल में बाहर स्प्लिट होके मिलेगी आपको। रेड कलर ज्यादा डेविएट होता है कि वॉयलेट? वॉयलेट। मान लो ये रेड इधर निकल रहा है और सपोज कीजिए वॉयलेट कलर इधर निकल गया, इस तरह से सामने कोई स्क्रीन है उस पर हम देख रहे हैं वॉयलेट, ये ब्लू की तरह भी दिखा रहा हूं, और ये आपका विबग्योर पैटर्न आपको यहां मिला। अगर मैं इसको पीछे बढ़ा के दिखाऊं पीछे, तो ये कुछ इस तरह का मैंने दिखाया जैसे भी है। अब देखो ये है डेविएशन इन रेड, और ये वाला है डेविएशन इन वॉयलेट। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू लिखूं इस फॉर्मूले से, तो ये अलग अलग क्यों है बताओ? इस फॉर्मूले में एन आ रहा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और ए आ रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या हमने पीछे ये पढ़ा है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, आने वाली लाइट की वेवलेंथ पे? अगर आने वाली लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है, बताओ ये पॉइंट आया है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो बताइए इसकी वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है, विबग्योर जो हम ईएम वेव में पढ़ के आए, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो इसका मतलब रेड के लिए यहां जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है कि रेड के लिए यहां रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है, तो वो कलर कम बैंड हुआ है। वॉयलेट के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो कलर ज्यादा बैंड हुआ। तो अगर मैं ये फॉर्मूला दो बार लगाऊं तो डेविएशन इन वॉयलेट लिखा जाएगा एन फॉर वॉयलेट माइनस वन इंटू ए, एंड डेविएशन फॉर रेड लिखा जाएगा एन फॉर रेड माइनस वन इंटू ए, ये आपके लिखे जाएंगे दो फॉर्मूले। अब बात आती है एंगुलर डिस्पर्जन कितना है, ये इस एंगल को हम बोल देते हैं, अगर मैं इसे थीटा से डिनोट करूं तो जो एंगुलर डिस्पर्जन है थीटा कितना फैलाव है, तो
तो आपको डायग्राम से दिख रहा है वॉयलेट माइनस रेड, अगर आप वॉयलेट माइनस रेड करोगे तो ये आया एन वी माइनस वन इंटू ए माइनस एन आर माइनस वन इंटू ए, ए कॉमन आ गया एन वी माइनस वन माइनस एन आर एन प्लस वन, वन से वन कैंसिल और ये आपका आया एन वॉयलेट माइनस एन रेड इंटू ए। तो ये हमें पता लगा कि भाई एंगुलर डिस्पर्जन कोई भी प्रिज्म इतना फैला देता है, इतना सब एंगुलर डिस्पर्जन हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म का क्या मतलब है। मीन कलर किसे बोल देते हैं हम, ये जो विग्योर है, विग्योर है इसमें जो मीन कलर है वो बोला जाता है येलो कलर, ये जो येलो कलर है इसे बोल देते हैं मीन कलर। कि भाई अगर आपको मीन डेविएशन बताना है तो आप येलो का डेविएशन देख लो, यानी कि अगर मुझे मीन डेविएशन लिखना हो तो मैं यहां से येलो वाला डेविएशन देख लूं, डेविएशन इन येलो। अगर मैं डेविएशन मीन वैल्यू लेना चाहूं तो दैट इज डेविएशन इन येलो, एंड येलो का डेविएशन होगा एन वाई माइनस वन इंटू ए। आवाज नहीं सुनाई दे रही साहब? नहीं सर, समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या करूंगा। सुबह वाली क्लास में ठीक ठाक सुनती है, उस समय जो क्लास चलती है अपनी, या वहां भी ये कटती रहती है? तो यार अब देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे कुछ दिख रहा है वो देख लो। एंगुलर डिस्पर्जन मैंने बताया, मीन डेविएशन मैंने बताया, अब एक और हेडिंग में एक और टर्म लिखी है, क्या लिखा है यहां दूसरी टर्म, ये बोलो एक बार। डिस्पर्जिव पावर ऑफ प्रिज्म, इसको सिंबल दिया जाता है ओमेगा। डिस्पर्जिव पावर को सिंबल दिया जाता है ओमेगा। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी प्रिज्म की डिस्पर्जिव पावर का मतलब है एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। ये आपने क्या लिखा ये बताना, कहां कहां पे ये सर, ये पीछे बात नो सर, सर ये वी वाला, वी वाला वी डैश लगा के स्ट्रेट लाइन जो खींची हुई आपने, ये लास्ट, यस सर। देखो ये तो व्हाइट लाइट आई थी, अब मैंने बताया है कि ऑन एन एवरेज डेविएशन कितना बताया जाता है, तो वो माना जाता है जो येलो कलर का होगा, येलो बीच का एक कलर है, तो जो मीन डेविएशन होता है वो होता है येलो कलर का डेविएशन डेल वाई, और इसी फॉर्मूले से डेल वाई बनेगा एन वाई माइनस वन एन येलो माइनस वन इंटू ए। अब मैं दूसरी टर्म को डिफाइन कर रहा हूं डिस्पर्जिव पावर ऑफ प्रिज्म। डिस्पर्जिव पावर ऑफ प्रिज्म का मतलब होता है एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन, ये होती है डिस्पर्जिव पावर ऑफ प्रिज्म, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्जन कितना है, एंगुलर डिस्पर्जन अभी लिखा था हमने, ये रहा एन वी माइनस एन आर इंटू ए डिवाइडेड बाई मीन डेविएशन कितना है, ये रहा एन वाई माइनस वन इंटू ए, ए से एक कट गया, तो डिस्पर्जिव पावर ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला आ गया एन वॉयलेट माइनस एन रेड अपॉन एन मीन मतलब एन येलो माइनस वन। और ये क्लियर कर रहा है कि प्रिज्म का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो लाइट के कलर पे डिपेंड कर रहा होता है, लाइट के कलर पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, बताओ ये वर्ड, ये बातें समझ में आई यहां तक जो मैंने बताया? यस सर। अब यहां दो बड़े अच्छे टॉपिक बनते हैं, दो बड़े अच्छे टॉपिक बनते हैं, इनका यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं चीजें, तो ध्यान से सुनना। और आपके नीट पेपर में तो अभी कब की बात करूं मैं, 2017 में इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया था, 2017 मतलब 3 साल पहले। ये जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बड़ा अच्छा टॉपिक है। और क्या था कि पहले तो बच्चे सोचते थे कि यार ये क्या फालतू का टॉपिक है, आधे करते थे आधे नहीं करते थे, हम तो करवाते थे, हम तो भी सारे काम करवाने, लेकिन आधे बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो तब थोड़ा लोग ध्यान देने लगे ना भाई ये भी काम इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एक चीज सीखेंगे, न्यूटन ने सबसे पहली बात, देखो न्यूटन ने पहली बार ये पता लगाया था कि ये जो सनलाइट है व्हाइट लाइट है 7 कलर से मिलकर बनी है थ्रू प्रिज्म। फिर न्यूटन ने इन कलर्स को और फैलाना चाहा था, क्या 7 से ज्यादा कलर मिले और दूसरा प्रिज्म लगा के? नो सर। क्या आपके पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं है कि
दूसरा प्रिज्म जब इन्वर्ट करके लगाया तो सातों कलर फिर से मिलके एक ही कलर बन गया था। अभी बता रहा हूं मैं, सुनो, न्यूटन ने एक आइडेंटिकल प्रिज्म सेम ग्लास का सेम एंगल का इन्वर्ट करके इसके सामने लगा के देखा तो सोचा किसी तरह कलर बढ़े, तो सात के वापिस से एक हो गए, एक ने फैलाया दूसरे ने समेटा। तो वहां से न्यूटन को एक आइडिया लगा, एक्रोमेटिज्म। एक्रोमेटिज्म किसे बोला था हमने, किस वर्ड को, किस चीज को नाम दिया था एक्रोमेटिज्म? कलर नाउन। हाँ, कलर नाउन। तो न्यूटन ने एक तरीका दिया कि अगर कभी कलर फैले हैं तो आप उनको खत्म कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन जो न्यूटन वाला मेथड था उसमें क्या था, कलर भी खत्म हो जाते हैं, डेविएशन भी खत्म हो जाता है। जो इमरजेंट लाइट और इंसिडेंट लाइट है बिल्कुल पैरेलल, आप याद रखें, अगर एक प्रिज्म ऐसे है, दूसरा उसके सामने उल्टा लगा दिया, सेम एपेक्स एंगल, सेम मटेरियल, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे पैरेलल होंगी और ना कोई डिस्पर्जन होगा। दैट इज इक्विवेलेंट टू अ पैरेलल रेक्टेंगुलर स्लैब। और पैरेलल स्लैब में हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट और इमरजेंट लाइट बाहर पैरेलल मिलती है एक दूसरे के। Yes. ठीक है, लेकिन फिर दो और अच्छी बातें न्यूटन ने बताई कि भाई कई बार क्या होता है, डेविएशन चाहिए और कई बार डेविएशन नहीं चाहिए, कलर्स चाहिए। कभी कभार डेविएशन चाहिए और कभी कलर्स चाहिए। तो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये आपके नीट 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। मैं टाइम रहेगा तो मैं इस पर सवाल भी ले लूंगा अभी। ठीक है, अब देखिए, अब जो मैं करवा रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहला टॉपिक है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, ये आपका पहला टॉपिक है। इसी का दूसरा नाम होता है एक्रोमेटिज्म। इसी का दूसरा नाम है एक्रोमेटिज्म। आप क्या करेंगे, दो प्रिज्म लेंगे अलग अलग मटेरियल के, सेम के लिए तो फिर तो ना तो डेविएशन होगा ना डिस्पर्जन होगा, तो पैरेलली बाहर निकल जाएंगे। दो प्रिज्म लेंगे, क्या पीछे किसी लेक्चर में क्राउन और फ्लिंट ग्लास का नाम लिया है कि नहीं लिया है, एक मिनट बताएंगे। एक क्राउन ग्लास होता है और एक फ्लिंट ग्लास होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों के मेटीरियल में। शायद हम पहली बार नाम सुन रहे हैं क्या, क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास। अच्छा नहीं लिया है तो मैं बताता हूं, सुनो, आप एक चीज याद रखें कि जो डिस्पर्जिव पावर है वो फ्लिंट ग्लास की ज्यादा होती है और क्राउन ग्लास की कम होती है। दो अलग अलग मटेरियल हैं, जो डिस्पर्जिव पावर होती है वो फ्लिंट ग्लास की ज्यादा होती है और क्राउन ग्लास की कम होती है। क्या ये पॉइंट याद रह जाएगा, बताओ, ये याद रखना है। ठीक है, देखो याद रखना बड़ा आसान है यार, ऐसे मैं लिंक कर रहा हूं और कुछ नहीं। सी फॉर कम, एफ फॉर फालतू, एक बकवास सा लिंकेज है, बकवास से लिंकेज है, लेकिन एक बार अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए तो फिर हम भूलते नहीं है, याद हो जाएगी कि ओमेगा किसका कम है किसका ज्यादा है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे भी मुझे लिंक करने नहीं आते भी, आप तो बायो के स्टूडेंट, उसमें बहुत कुछ आप याद करते होंगे, हम तो बस थोड़ा बहुत अपना काम चला लेते हैं इसमें। अब सुनो, ये जो टॉपिक है, पहला टॉपिक एक्रोमेटिज्म इन प्रिज्म, मतलब बाहर कलर ना मिले, इसका क्या मतलब है, सुनो, आपने दो ग्लास लिए, दो प्रिज्म लिए, एक ये अलग अलग एंगल के और एक ये अलग अलग एंगल के अलग अलग मटेरियल के, मान लो पहला क्राउन ग्लास है और दूसरा फ्लिंट ग्लास है, इसका एंगल अल्फा है एपेक्स एंगल और इसका अल्फा डैश है। अच्छा दोनों अलग अलग मटेरियल हैं तो मैं कहूंगा दोनों के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग हैं, इसका वॉयलेट के लिए एन वॉयलेट, रेड के लिए एन रेड और येलो के लिए एन, बिकॉज ये तो मीन कलर है तो हम उसे खाली एन लिखते हैं। सिमिलरली यहां मैंने डैश लगाए हैं तो फ्लिंट ग्लास का एन वॉयलेट पे भी डैश लगा दिया, एन रेड पे भी डैश लगा दिया एंड एन मीन कलर पे भी डैश लगा दिया। जो एक्रोमेटिज्म है इसका मतलब क्या है, एक्रोमेटिज्म का मतलब है कि अगर आप यहां से कोई व्हाइट लाइट डालते हो, अगर आप यहां से व्हाइट लाइट डालते हो तो बाहर जो लाइट मिलेगी वो व्हाइट ही मिलेगी, फैली हुई नहीं मिलेगी, आपको डिस्पर्स लाइट बाहर नहीं मिलेगी,
न्यूटन वाले तरीके में तो डेविएशन भी नहीं हो रहा था, लेकिन विद सम डेविएशन दिस इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। अब बताएंगे डायग्राम आ गया समझ? ठीक है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, तो ये इसका डायग्राम। अब इसके दो फॉर्मूले हम डेराइव करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिना डेराइव किए हम फॉर्मूले दे रहे हैं। पहली बात, अल्फा और अल्फा डैश में क्या रिलेशन होगा? ये जो अल्फा डैश है, अल्फा डैश उसकी वैल्यू अल्फा की टर्म्स में क्या होगी? फॉर्मूले में एक माइनस निकल के आता है, सम फैक्टर इनटू अल्फा, वो माइनस क्या बताता है बताओ? कुछ अंदाजा लगाओ इनकी ओरिएंटेशन देख के, जब हम अभी डेराइव करेंगे उस फॉर्मूले में माइनस आएगा, तो माइनस क्या दिखा रहा है बोलो? क्या दिखाता है माइनस? माइनस ये बताता है कि ये जो एंगल है ये उसके मुकाबले इन्वर्टेड है, उसके मुकाबले ये एंगल नीचे बना हुआ है, बस ये दिखाता है माइनस और कुछ नहीं। अगर ये सोल्व करके माइनस 5 डिग्री आया तो आप अल्फा डैश की वैल्यू 5 डिग्री देंगे, 5 डिग्री। पहली बात, कभी भी आपको एक्रोमेटिक अरेंजमेंट बनाना हो तो अल्फा डैश और अल्फा में ये रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना है। अभी डेराइव करेंगे इसे, फॉर्मूला तो अभी याद करो ना क्लास में, बाद में फिर ये बड़े हो जाते हैं फॉर्मूले ध्यान नहीं दे पाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं फॉर्मूला क्या है? ठीक है, नेगेटिव साइन मींस, नेगेटिव साइन मींस दैट द रिफ्रेक्टिंग एंगल्स ऑफ बोथ द प्रिज्म्स आर इन अपोजिट ओरिएंटेशन, अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर एक नीचे, और कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कैसे डेराइव करें इसका? इस चीज का यूज करो, विदाउट डिस्पर्जन, इससे एक बार में डेराइव हो जाएगा। विदाउट डिस्पर्जन मीन्स नो डिस्पर्जन, कोई डिस्पर्जन ही नहीं हुआ भाई। डिस्पर्जन कितना होता है? पहला प्रिज्म जो डिस्पर्जन करता वो करता डेल वी माइनस डेल आर, है ना, यही होता ना पहले प्रिज्म का डिस्पर्जन। दूसरे प्रिज्म का डिस्पर्जन कितना होता? डेल वी डैश माइनस डेल आर डैश। और नो डिस्पर्जन का मतलब है कि दोनों का डिस्पर्जन कितना है? जीरो। अभी बनाए थे पीछे डायग्राम डिस्पर्जन और डिस्पर्जिव पावर बताया, तो ये उससे बन गया। एक बार बताओ क्या ये इक्वेशन समझ में आई? क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई? कैसे लिखी है मैंने? Yes, पहले का डिस्पर्जन प्लस दूसरे। अब आप आगे बढ़ाओ, इस डिस्पर्जन की वैल्यू आपको याद होगी एन वी माइनस एन आर इंटू ए, और पहले का है अल्फा और दूसरे का एन वी डैश माइनस एन आर डैश इंटू अल्फा डैश इज इक्वल टू जीरो। और आप बताओ क्या इससे ये आ गया कि नहीं? आप खुद देखो इधर उधर करके इसको, क्या इससे ये डिराइव हो गया है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन हुआ। इसमें याद रखना है फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होता है। अच्छा, दूसरी बात, अब डेविएशन तो हो रहा है, तो डेविएशन कितना हो रहा है? वो जो डेल्टा लिखा हुआ है कि कुछ तो हो रहा है डेविएशन, तो ये डेल्टा कितना होता है? इसका फॉर्मूला सुने, इसके उठाने क्राउन वाले एन वी माइनस एन आर। अच्छा, अब इसमें एक ओमेगा और ओमेगा डैश का यूज और होगा। जो डिस्पर्जिव पावर है, सपोज इसकी तो ओमेगा है और इस वाले की ओमेगा डैश है, इसकी ओमेगा है और इसकी ओमेगा डैश है, कौन ज्यादा है, ओमेगा ज्यादा है कि ओमेगा डैश? बताओ, ओमेगा डैश। ओमेगा डैश अगर ज्यादा है तो वन बाई ओमेगा डैश कम होगा, वन बाई ओमेगा माइनस वन बाई ओमेगा डैश और इंटू अल्फा डैश। ध्यान से देखना किन पे डैश लगा है किन पे नहीं। इस अरेंजमेंट में जो टोटल डेविएशन होता है वो इतना होता है, इस अरेंजमेंट में जो टोटल डेविएशन होता है वो ये होता है, ये डेविएशन होता है भाई। वन बाई ओमेगा का भी एक नाम होता है, कंस्ट्रिंजेंस बोल देते हैं, आपके लेवल पे नहीं यूज करते हैं वन बाई ओमेगा। वन बाई ओमेगा को भी एक वर्ड यूज कर दिया जाता है, लेकिन मैंने नहीं सुना कभी ट्वेल्थ में ये वर्ड, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन बता रहा हूं मैं, ये जो वन बाई ओमेगा यूज हो रहा है दिस इज नोन एज कंस्ट्रिंजेंस। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे आया टोटल डेविएशन का? कैसे क्या, दोनों का डेविएशन ऐड कर दो भाई, सिंपली आप दोनों का डेविएशन ऐड कर दो। फॉर थिन प्रिज्म डेविएशन होता है n माइनस वन इंटू ए, फॉर थिन प्रिज्म डेविएशन होता है n माइनस वन इंटू ए, तो पहले का तो ये होगा और ऐसे ही दूसरे का होगा n डैश माइनस वन इंटू, अब इसका a तो अल्फा है और उसका a क्या है, अल्फा डैश। ठीक है, क्या बताओ समझ में आ रहा है?
एक प्रिज्म का डिवीजन होता है n माइनस वन इंटू ए थिन प्रिज्म का, दूसरे का भी n माइनस वन इंटू ए, तो इसमें n माइनस वन इंटू अल्फा और उसका n डैश माइनस वन इंटू अल्फा, अल्फा डैश की वैल्यू है आपके पास इधर रखी हुई है, ये मैंने उसमें पुट की, अल्फा डैश की वैल्यू मैंने उठा के उसमें पुट की, तो जो डेविएशन आया दैट इज n माइनस वन इंटू अल्फा प्लस एन डैश माइनस वन, अब ये नेगेटिव साइन आएगा तो ये माइनस है, इंटू ये अल्फा पूरा पुट किया वहां पे, तो एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वी डैश माइनस एन आर डैश इंटू अल्फा, अल्फा डैश नहीं अल्फा। एक बार बताओ ये स्टेप आया क्या समझ, क्या किया हमने? ठीक है, अब देखो ये दिख रही है ये वाली फॉर्म, आप एन वी माइनस एन आर कॉमन ले लो, दोनों में से एन वी माइनस एन आर कॉमन लिया, क्या फर्स्ट टर्म में था एन वी माइनस एन आर? नहीं था, तो आप एन माइनस वन अपॉन एन वी माइनस एन आर लिख दो उसे और इंटू अल्फा, सेकेंड टर्म में तो था एन डैश माइनस वन अपॉन एन वी डैश माइनस एन आर डैश इंटू अल्फा, बस क्या इन दोनों में से अल्फा कॉमन जा रहा है बाहर? क्या इन दोनों में से मैं अल्फा को बाहर लिख सकता हूं? ठीक है, अब आप देखो थोड़ी देर पहले ओमेगा डिफाइन किया था इस साइड, मिटा दिया, अब तो एन वी माइनस एन आर अपॉन एन माइनस वन ही ओमेगा था और डैश लगा दिए थे वो ओमेगा डैश, तो ये उसका रेसिप्रोकल है, तो ये बन गया एन वी माइनस एन आर इंटू वन बाई ओमेगा एंड माइनस वन बाई ओमेगा डैश और इंटू अल्फा। तो यार याद कर सको तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि एक बार तो अब नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इस पे याद कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो फिर ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो मैं तो कहता हूं बच्चों को कि भाई ये फॉर्मूले की तरह आप याद कर लिया करो। एक बार बताएंगे क्या ये पहला अरेंजमेंट समझ में आया, एक्रोमेटिज्म वाला अरेंजमेंट? यस सर। ठीक है, अब जो नीट में जो सवाल आया था मैं आपको बताता हूं, ये नहीं आया था नीट में, क्वेश्चन आया था डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, वहां जो क्वेश्चन आया था वो था डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, लेकिन प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है, तो मैं एक बार एक क्वेश्चन इस पे लेके और फिर मैं आपको वो पढ़ाता हूं दूसरे वाला पार्ट, एक क्वेश्चन इस पे लेने के बाद देखो कैसे होगा, सुनो। मान लो एक सवाल है, क्वेश्चन क्या है, कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। देखो क्वेश्चन की लाइन में पढ़ता हूं, आप सुनिए, इसमें लिखता है अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 8 डिग्री, जो गिवन है वो बताते चलेंगे। सवाल में लिखा है एक थिन प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल है 8 डिग्री, तो ये 8 डिग्री किसकी वैल्यू है? पूरी लाइन सुनो, अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 8 डिग्री इज मेड ऑफ क्राउन ग्लास, तो ये रिफ्रैक्ट, ये 8 डिग्री किसकी वैल्यू दी है आपको, अल्फा या अल्फा डैश? अल्फा। पहली चीज हमें दी, अल्फा दे दिया, उसके बाद ये लिखता है इज मेड ऑफ क्राउन ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.514 फॉर रेड कलर, मतलब एन वी आपको दे दिया 1.514 फॉर रेड कलर एंड 1.524 फॉर वॉयलेट कलर, एन आर आपको दे दिया 1.524 फॉर वॉयलेट कलर। द प्रिज्म ये उल्टे नहीं लिख दिया आपने? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ये रेड कलर, ये वॉयलेट कलर। मैं ये जो क्वेश्चन है इसकी एक सीपीपी पे ही है, मैं इसकी फोटो आप तक भेज दूंगा और आपके इसमें ग्रुप पे भी डाल दूंगा और इसके लिंक में भी डाल दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा इसको। लेकिन अभी सुनिए ध्यान से, ये जो प्रिज्म है इसके बारे में ये चीजें देती, दिस प्रिज्म इज कंबाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल थीटा ऑफ फ्लिंट ग्लास, यानी कि थीटा क्या दिया है, अल्फा डैश आपको क्या दे दिया, थीटा ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.645 फॉर रेड कलर, मतलब एन आर डैश आपको दे दिया 1.645 फॉर रेड कलर एंड 1.665 फॉर वॉयलेट कलर, एन वॉयलेट इज 1.665, ये दे दिया।
चलो इन दो लाइनों में केवल ये इंफॉर्मेशन है कि जो हमें बताया गया। ये सवाल नीट में तो नहीं आया हुआ लेकिन किसी और एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद सुने, व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन क्राउन ग्लास प्रिज्म, क्राउन ग्लास पे व्हाइट लाइट डालिए, दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, ये है। अब इसमें दो सवाल पूछे गए, द वैल्यू ऑफ थीटा इज, थीटा कैसे निकालें, कौन से फॉर्मूले से, ये है हमारे पास फॉर्मूला भाई थीटा निकालने के लिए, ये डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन में ये वाला फॉर्मूला रहा हमारे पास। तो ये फॉर्मूला क्या कहेगा, अल्फा डैश यानी कि जो थीटा होगा वो, अल्फा डैश दरअसल माइनस थीटा लिखा जाएगा क्योंकि वो नीचे की तरफ है, तो ये अल्फा डैश माइनस थीटा पुट होगा यहां पे, तभी वो माइनस हटेगा, माइनस थीटा क्योंकि वो नीचे की तरफ है, बराबर एनवी माइनस एनआर, यहां से बोल दोगे एक बार एनवी माइनस एनआर की वैल्यू कितनी है, घटा के बताओ कितनी है, ऑप्शन लिखता हूं, इस पहले के ऑप्शन के ऑप्शन है 4 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, नन ऑफ दीज, ये इसके ऑप्शन हैं ए बी सी एंड डी। हाँ जी एनवी माइनस एनआर कितना आया, एनवी माइनस एनआर 0.10 ये आया, डिवाइडेड बाई एनवी डैश माइनस एनआर डैश, ये कितना आ रहा है, एनवी डैश माइनस एनआर डैश, ये आप घटाओगे 5 में 5 0, 6 में 4 2, 0.0 ठीक है, और इंटू अल्फा दैट इज अवर 8 डिग्री, तो आपको दिख रहा है 1/2 आ गया, ये माइनस यहां भी था, माइनस से माइनस कटेगा और थीटा आएगा 1/2 इंटू 4 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री, तो आंसर क्या आ गया आपका 4 डिग्री। ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है समझ में आ रहा है क्वेश्चंस में, हाँ जी भी बोलो आवाज समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। अगला सवाल, इसी में अगला सवाल है, इसी में इन वैल्यूज के साथ ही, द नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड इज, तो क्या आप निकाल लेंगे अब नेट डेविएशन, देखो ये आप खुद कैलकुलेट करना, ये सब है नेट डेविएशन, ये सब है नेट डेविएशन, मैं इसका आंसर लिख देता हूं, जो नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड है दैट इज 1.532 डिग्री, ये है, बाकी ज्यादा से ज्यादा रिलेशन पूछ लेते हैं तो ये तो आ ही सकता है, ये वाला काम तो आ ही सकता है। अब बताओ क्या ये एक पार्ट समझ में आ गया, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, ठीक है, ऐसा ही दूसरा टॉपिक क्या बनेगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही जिसमें नीट 2017 में भी क्वेश्चन आया था, क्या नाम बनेगा, अरे नाम तो बताओ एक बार क्या बनेगा, यहां तो हो जाएगा, हाँ यहां तो हो जाएगा डिस्पर्जन एंड यहां पे हो जाएगा डेविएशन, कॉन्सेप्ट आस्क्ड इन नीट 2017, तो जब उस पर आ चुका है तो उम्मीद करो कि अब आने वाले समय में शायद डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन पे भी आ जाए सवाल, आपके टाइम पे आ जाए क्या पता। इसको क्या बोलते हैं, जैसे पिछले वाले को हमने बोला था एक्रोमेटिज्म, इसको नाम दिया जाता है डायरेक्ट विजन अरेंजमेंट, इसको नाम दिया जाता है डायरेक्ट विजन अरेंजमेंट, ये वाला जो अरेंजमेंट होगा इसको हम डायरेक्ट विजन अरेंजमेंट बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखो फॉर्मूले यार याद कर लेना भाई आज की क्लास के बाद, ये जो लिखे मैंने जो डिराइव किए आपके लिए, इसका मतलब क्या होता है सुनो, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन मींस कि जैसे आपने ये क्राउन ग्लास एंगल अल्फा, फ्लिंट ग्लास एंगल अल्फा डैश, आपने लाइट डाली, यहां से एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट है, सेपरेट तो होगी, डिस्पर्जन तो होगा, परंतु जो आगे निकलने वाला मीन कलर है वो इसके पैरेलल मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा इसी की लाइन पे मिलेगा, ऊपर नीचे हो सकता है, मीन कलर मींस कौन सा कलर, येलो कलर, हाँ ये ठीक है थोड़ा बहुत
इधर उधर फैलेगा, तो डिस्पर्जन हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल पैरेलल निकल रही है, डिस्पर्जन हो रहा है थीटा बट डेविएशन नहीं हो रहा है। ये जो अरेंजमेंट है इसको बोल देते हैं डायरेक्ट विजन अरेंजमेंट। जैसे पिछला था ए क्रोमेटिज्म, ऐसे ये वाला होता है डायरेक्ट विजन अरेंजमेंट। फिर वही, अगर मान लो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीन कलर के लिए ही बहुत है एन है और इसका एन डैश है, इसकी डिस्पर्जिव पावर ओमेगा है और इसकी डिस्पर्जिव पावर ओमेगा डैश है, तो सबसे पहली बात रिलेशन बिटवीन अल्फा डैश एंड अल्फा क्या होगा, रिलेशन बिटवीन अल्फा डैश एंड अल्फा क्या होगा। यहां पे जो रिलेशन होता है अल्फा डैश इज इक्वल टू अगेन एक नेगेटिव साइन, एक फैक्टर और अल्फा। बताओ क्या पिछला रिलेशन भी इसी टाइप का था कि नहीं, सेम ऐसा ही? उसमें ऊपर क्या आया था पिछली बार, एन बी माइनस एन आर, यहां पे होता है एन माइनस वन। एन मतलब मीन कलर, येलो कलर के लिए, एन खाली लिखा है तो मतलब वो येलो कलर मीन कलर के लिए, या जो एक वैल्यू दी हो वो बिल्कुल इसके सिमेट्री का। बताओ नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, हाँ एन डैश माइनस वन। ये तो पहला फॉर्मूला कि डायरेक्ट विजन अरेंजमेंट चाहते हो, कोई डिस्पर्जन नहीं चाहते तो आएगा। और देखो ये यहीं से डेराइव हो जाएगा, विदाउट डेविएशन मींस नो डेविएशन। जैसे पिछली बार फॉर्मूला एक बार में डेराइव हो गया था, नो डेविएशन मतलब दोनों का डेविएशन मिला के सम जीरो कर दीजिए, तो पहले का डेविएशन तो होगा एन माइनस वन इंटू अल्फा और दूसरे का डेविएशन थिन प्रिज्म है एन डैश माइनस वन इंटू अल्फा डैश इज इक्वल टू जीरो। बताओ क्या लिखना आ गया, पिछली बार डिस्पर्जन एंगल जीरो किए थे, इस बार डेविएशन एंगल, ठीक है। और आप देखो क्या यहां से ये फॉर्मूला निकल गया कि नहीं, ठीक है। काम का यही ज्यादा होता है, वो थीटा कम चांसेस होते हैं पूछने के, ये ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर भी मैं आपको टोटल डिस्पर्जन बता देता हूं कि क्या है। जो टोटल डिस्पर्जन होगा इस केस में एन माइनस वन इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश इंटू अल्फा, ये आपका टोटल डिस्पर्जन है। पिछली बार मैं अगर आपको याद दिलाऊं, मैं आपको याद दिलाऊं, देखो बड़ा आसान है याद करना। पिछली बार टोटल डेविएशन लिखा था, एन माइनस वन की जगह आया था एन वी माइनस एन आर, एक बार में याद हो जाएगा। एन माइनस वन की जगह टोटल डेविएशन पिछली बार आया था एन वी माइनस एन आर, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश की जगह उनके रेसिप्रोकल आए थे, तो रेसिप्रोकल में उल्टा हो जाता है, वन बाई ओमेगा डैश माइनस वन बाई ओमेगा, और आगे उसमें भी अल्फा था। पता होगी थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या ध्यान है ये फॉर्मूला, है ना? Yes, तो वहां जहां एन वी माइनस एन आर था उसकी जगह एन माइनस वन, यहां भी एन वी माइनस एन आर था उसकी जगह एन माइनस वन। तो आप एक बार रिलेट करके याद रखना, और टोटल डिस्पर्जन भी ऐसे निकल जाएगा। कैसे भाई, इसका डिस्पर्जन पहले का डिस्पर्जन होगा एन वी माइनस एन आर इंटू अल्फा, दूसरे का डिस्पर्जन होगा एन वी डैश माइनस एन आर डैश इंटू अल्फा डैश। मुझे लगता है अब तो ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। डेविएशन लिखना है तो एन माइनस वन इंटू अल्फा, डिस्पर्जन लिखना है तो एन वी माइनस एन आर इंटू अल्फा, अगर नो डेविएशन करना है तो दोनों का डेविएशन का सम जीरो कर दो, नो डिस्पर्जन करना है तो दोनों का डिस्पर्जन का सम जीरो कर दो, और दूसरा फॉर्मूला यूज करते हुए आ जाएगा। तो ये आप अपने आप कर सकते हो, चाहे मत करना डेराइव, याद कर लोगे ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें इसमें एक बात का ध्यान देना, ये फॉर्मूला निकल के तो यह आएगा, लेकिन आप बताओ ओमेगा बड़ा होता है कि ओमेगा डैश, क्राउन ग्लास की डिस्पर्जिव पावर ज्यादा है कि फ्लिंट ग्लास की, फ्लिंट ग्लास की, तो ये तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने का मतलब है कि कलर्स पलट रहे होंगे, तो आप इसको सही करके लिखेंगे तो इसका मोड लेंगे, और इसका मोड लेंगे डेराइव करोगे तो यही आएगा, और मोड लेने का मतलब है कि डैश इधर कर देंगे, तो इस फॉर्मूले को याद ऐसे करेंगे। ये करके दिखाऊं या कर लोगे बताओ एक बार, ये वाला फॉर्मूला, नहीं सुनो आप सुन ही लो, डिस्पर्जन टोटल डिस्पर्जन थीटा, पहले का डिस्पर्जन कितना होगा बताओ, फर्स्ट का डिस्पर्जन एन माइनस वन इंटू अल्फा होगा या एन वी माइनस एन आर इंटू अल्फा होगा, मैं लिख देता हूं फिर बोल लो देख के, अरे याद नहीं हुए अभी तक। दूसरे का डिस्पर्जन कितना होगा, एन वी डैश माइनस एन आर डैश इंटू अल्फा डैश, अल्फा डैश की ये वैल्यू उठा के पुट करना, ये वैल्यू अल्फा डैश की उठा के पुट करना, पिछली बार की तरह ही एन माइनस वन कॉमन लेना, पिछली बार की तरह n-1 कॉमन लोगे तो इसके नीचे n-1 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तभी n-1 कॉमन जाएगा। और आपको दिख रहा होगा जब आप n-1 दोनों में से कॉमन लेंगे ये पुट करने के बाद,
तो यहां बचेगा एक का ओमेगा और वहां बचेगा दूसरे का ओमेगा और आपका आ जाएगा। और भी बताऊं क्या आगे एक स्टेप भाई, अल्फा डैश आपने लिखा, ये लिखा अल्फा डैश, तो ये माइनस आ गया एन माइनस वन अपॉन एन डैश माइनस वन और इंटू अल्फा। यार अब देखो आपको दिखना चाहिए, अब तो क्या अल्फा कॉमन आ रहा है दोनों में से बाहर, ठीक है एन माइनस वन दोनों में से कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें, तो यहां जो बचा ये तो ओमेगा है, ओमेगा पहले वो बचेगा और यहां जो बचेगा वो ओमेगा डैश है, परंतु वो नेगेटिव होता है इसलिए इसको पॉजिटिव किया। तो क्या ये चार फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको? Yes, अब देखो मैं नीट 2017 वाला क्वेश्चन लेता हूं, जो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आया था वो इसमें है। क्वेश्चन में लिखता है, ये भी मैं लिंक कर दूंगा इसके साथ वीडियो के साथ, अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रेक्टिंग एंगल थीटा इज मेड ऑफ क्राउन ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्राउन ग्लास का बना है, उसका एंगल आपको दिया है थीटा, एंगल हमें बता नहीं रखा है, और उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है मीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.52, ऐसा इस सवाल में लिखा है। दिस प्रिज्म इज कंबाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म रिफ्रेक्टिव एंगल ऑफ 15 डिग्री ऑफ फ्लिंट ग्लास, ये फ्लिंट ग्लास के साथ कंबाइंड कर दिया, उसका रिफ्रेक्टिंग एंगल है 15 डिग्री और उसका मीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.65, ये दिया है। फिर क्वेश्चन में दिया था नीट वाले में, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास की जो डिस्पर्सिव पावर है दैट इज 0.02 एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास इससे ज्यादा होगी कि कम होगी बताओ, फ्लिंट ग्लास की। अरे बोला करो, कोई ज्यादा होगी, 0.03 सवाल में दे रखा है। ये है व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन क्राउन ग्लास प्रिज्म, इधर से लाइट डाली गई एंड दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, ये दिया गया है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, ये पूछा था उस सवाल में, उस क्वेश्चन में ये पूछा था कि थीटा की वैल्यू बताओ। ऑप्शन भी मैं दे देता हूं जो नीट पेपर में आए थे, 15 डिग्री, 18.75 डिग्री, 21.35 डिग्री एंड नन ऑफ दीज। क्या करना है बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बोर्ड पे तो मिटा दिया मैंने वो फॉर्मूला, अभी लिखा था आपने एक फॉर्मूला अल्फा डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन माइनस वन अपॉन एन डैश माइनस वन इंटू अल्फा, है ना? Yes, तो देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा है थीटा और अल्फा डैश है माइनस 15 डिग्री, अल्फा है थीटा और अल्फा डैश है माइनस 15 डिग्री। आप ये आखिरी काम कर रहे हैं इस क्लास का, मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, आप फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन इनमें से आ रहा है। हाँ ठीक है, यही इसका आंसर है 18.75। परंतु यार अब ये सवाल तब होते जब आप ये टॉपिक ढंग से पढ़ के गए होते, तो आज आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए, डिस्पर्जन विदाउट डिविजन एंड डिविजन विदाउट डिस्पर्जन। ठीक है, हमने कहा कि एक पे सवाल आ चुका है और एक पे आने वाला है, मतलब आगे आ सकता है, आने वाला तो क्या है, आ सकता है कि आप तो यही रिपीट हो जाए। और ये जो दूसरी बात मैंने बताई है ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, अल्फा अल्फा डैश में रिलेशन तो याद रखने ही है, उनके अलावा अगर टोटल डेविएशन या टोटल डिस्पर्जन पूछ ले उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, परंतु वो भी आप याद रख सकते हो। अच्छा दूसरी बात, कई बार बच्चा सोचता है कि यार डिस्पर्जिव पावर हम क्यों पढ़े, ये तो पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं, सिलेबस ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी मैंने ये नीट वाला क्वेश्चन लिया कि इसमें डिस्पर्जिव पावर वर्ड यूज कर रखा है कि नहीं दोनों बार, 0.02 एंड 0.03, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब। प्रिज्म वाला रिफ्रेक्शन मल्टी कलर का भी, मतलब पॉलीक्रोमेटिक का भी और मोनोक्रोमेटिक का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, थोड़ा इसमें स्कैटरिंग के बारे में मैं और बताऊंगा और फिर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। और मैं आपको एडवांस में बोल देता हूँ हैप्पी टीचर्स डे कल के लिए। हाँ जी सर, आपने वो क्वेश्चन दिया था व्हाट इज डैश सर, उसका आंसर बताना। ओहो ठीक है ठीक है, वो तो ध्यान ही नहीं रहा, आपने शुरू में याद नहीं दिलाया। सुनो
किसी बच्चे ने सोचा उसके बारे में कि व्हाट इज टेंसर? बहुत से बुक्स में ये लिखा होता है कि जो स्केलर नहीं होते वो वेक्टर नहीं होते, वो टेंसर होते हैं, है ना। इवन आप प्लस वन की किताब पढ़ेंगे उठा के, तो कई बार वेक्टर वाले चैप्टर में मिल जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट ये नहीं है तो ये टेंसर है। देखा है कि नहीं देखा है बताओ, ये वाली स्टेटमेंट है ना। टेंसर क्या होता है? टेंसर एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। टेंसर इज जस्ट अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एक साइंटिस्ट थे जी रिकी, उन्होंने एक तरीका बताया था कि मैथमेटिकली मैट्रिसेस फॉर्म में या थोड़ा सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे चीजों को रिप्रेजेंट किया जाए। और ये फेमस कब हुआ था टेंसर का रिप्रेजेंटेशन? टेंसर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, टेंसर एक रिप्रेजेंटेशन है। फेमस तब हुआ था जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसे हम बोलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नाम सुना है ये? जनरल एक होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो 1905 में दी थी। एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में दी थी, जिसमें आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशन को इंक्लूड किया था। तो उसमें आइंस्टाइन ने क्या किया कि अपनी इक्वेशंस को टेंसर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। कारण क्या था? जब ऐसे पैरामीटर होते हैं कि जो ऐसे लॉज जहां पे होंगे जो रेफरेंस फ्रेम चेंज करने से चेंज ना हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रेफरेंस फ्रेम चेंज करने से चेंज नहीं हुआ, तो वहां पे टेंसर रिप्रेजेंटेशन समझ में आती है। और एक बात याद ही कर लेना कि जैसे टेंसर की अलग अलग रैंक्स होती हैं, जीरो रैंक का जो टेंसर है वो स्केलर होता है, फर्स्ट रैंक का जो टेंसर है वो वेक्टर होता है, सेकंड रैंक का टेंसर, उसका मैं एग्जांपल दूंगा, अपने स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़े हैं, इलास्टिसिटी में पढ़े हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये चीजें, ठीक है। तो टेंसर तो एक अलग से कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, और इसकी डेप्थ में आप जाने की कोई जरूरत नहीं, बस हम आपसे वही चीज क्लियर करना चाह रहे थे। चलो ठीक है, तो अभी आपकी अगली क्लास होती होगी शायद 7:20 पे, जब भी, तो मैं ये क्लास फिनिश करता हूं, ठीक है। थैंक यू एंड हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। कल पता नहीं मुलाकात हो ना हो। थैंक यू।